हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम शाम की चाय से। वैसे तो मैं चाय ज़्यादा पीती नहीं हूँ, पर कभी कभी शाम में ऐसा मेरा मन करता है तो मैं चाय पी लेती हूँ। और साथ में मैं एक बिस्किट खाऊंगी। ये बिस्किट जो है वो शुगर फ्री है, डाइजेस्टिव बिस्किट है। इसे मैं एक ही खाती हूँ, ज़्यादा मुझे बिस्किट भी पसंद नहीं है। तो अभी बज रहे हैं 8:30 ऑलमोस्ट। तो हम टू डू लिस्ट बना लेंगे, कि टू डू लिस्ट बनाने के बहुत फ़ायदे हैं। ये हम कल के लिए बना रहे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप पहले से लिख लो कि आपको क्या क्या करना है कल, तो थोड़ा इजी हो जाता है उसके लिए। जैसे मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि ये मुझे करना है, और जब मैं ये कर लूँगी कल, तो वो करने के बाद मैं ऐसे टिक करती हुई जाऊँगी कि मैंने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या मुझसे नहीं हो पाया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये रहेगा कि हाँ, मुझे ये तो करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी ये चीज़ नहीं हो पाई थी। तो ये एक काफ़ी अच्छा काम मैं करती हूँ। और इसके लिए आपको कोई प्लानर नहीं चाहिए, कोई एक अलग से आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप कोई भी पुरानी डायरी ले सकते हो, जैसे कि मैं एक पुरानी डायरी में लिख लेती हूँ। अब बज रहे हैं रात के 10, और अब मैं खाना खाऊँगी। खाने में मेरे पास है एक रोटी और थोड़े से चावल और कढ़ी, सुबह की सब्ज़ी है थोड़ी सी, थोड़े से पकौड़े हैं मेरे पास में। नमक मैंने इसलिए ले रखा है कि इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो। कढ़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैं हर समय कढ़ी खा सकती हूँ, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। अब हो रहे हैं 10:50 और मैं ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ। मैंने इतना सारा पानी इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने और मेरी मम्मी दोनों के लिए बनाऊंगी, तो ज़्यादा पानी लेकर ही बनाऊंगी। मैं ये टी कंट्री की ग्रीन टी, तुलसी वाली, यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी। उससे जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है तो मैं एक टी बैग इस पर डिप करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि इसका सारा कलर उस पर आ जाए। तो अलग से मुझे ग्लास में पोर नहीं करना। एज़ यू कैन सी, सारा कलर इस पर आ गया है ग्रीन टी का। तो मैं बस अब ये टी बैग इस पर अच्छे से डिप करके इसे बाहर कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसे अपनी फेवरेट फेवरेट वाली कप में पोर कर लूँगी। तो ये रही मेरी ग्रीन टी। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू।